काफी संख्या में मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी है, और वहां कामिल फाजिल की, मुंशी मौलवी की जो आप पढ़ाई करते हैं उसके लिए बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि अब आप सरकारी नौकरी में भी शामिल हो सकते हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। इसी बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे कि कितने भाई बहनों को यहां बेनिफिट मिल रहा है और सरकार ने इसके लिए क्या प्रस्ताव किया है और क्या आपको बेनिफिट किस प्रकार से मिल सकेगा। वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, बाद में आप इसको भूल जाते हो। चलिए यहां बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मदरसों की। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन जा रही है बिहार वाली पॉलिसी पर। बिहार में क्या किया गया, बिहार में जो डिग्री दी जाती थी कामिल और फाजिल की, कामिल मतलब होता है ग्रेजुएशन और फाजिल मतलब होता है पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। तो अभी तक क्या होता, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती थी इनको लेकर के, सरकार इनको यानी कामिल और फाजिल को ग्रेजुएट और अपर ग्रेजुएट यानी कि पीजी नहीं मानती थी और इनको जॉब से बाहर कर देती थी, उनको योग्य नहीं माना जाता था। पहली बात तो बिहार ने इसका ड्राफ्ट दिया और वहां इसको ओके कर दिया, अब वो भी गवर्नमेंट जॉब में शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार यूपी गवर्नमेंट ने किया, इसका प्रस्ताव बना करके भेजा है कि कामिल यानी कि ग्रेजुएशन और फाजिल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर इनको डिग्री मिलेगी और अब ये लोग भी योग्य होंगे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई के लिए, गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशंस को फिल करने के लिए, पहली चीज ये। दूसरी बात, मुंशी मौलवी की डिग्री दी जाती थी यानी कि टेंथ और ट्वेल्थ के इक्वल हो जाती थी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के इक्वल। तो 2020-21 में सरकार ने क्या कर दिया, इनको टेंथ और ट्वेल्थ के इक्वल मान लिया और अब जो टेंथ ट्वेल्थ के हिसाब से जो गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी वहां ये भी अप्लाई कर सकेंगे। तो बिहार में ये चीज लागू हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश ने इसी आधार पर प्रस्ताव बना करके भेजा है और यहाँ करीब 10,000 से अधिक मदरसे हैं। संख्या और ज्यादा कम भी हो सकती है, मुझे एक्चुअल आइडिया नहीं, लेकिन हाँ इससे ज्यादा तो मदरसे होंगे ही, ठीक है। अब इनमें जो पढ़ने वाले करीब 65,000 भाई बहन हैं जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, सरकार ने उनके बारे में भी सोचा है। योगी गवर्नमेंट का ये फैसला हो सकता है क्योंकि अभी इसका प्रस्ताव बनाया है और प्रस्ताव बनाने के बाद अब इस पर मोहर लगनी बाकी है। अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि कितने ज्यादा भाई बहनों को बेनिफिट मिलेगा, वो एकदम मुख्य धारा से जो अलग थलग थे वो उसमें शामिल हो सकेंगे। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन मदरसा एजुकेशन को लेकर के। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।